70,000 टीचर भर्ती घोटाले में खेल खेला गया और इसके बाद मुख्य आरोपी ने कोर्ट में सरेंडर किया। सरेंडर के फौरन बाद उसे जमानत मिल जाती है। एसटीएफ ने आरोपी का रास्ता हालांकि देखिए साफ कर दिया है। मायापति को गिरफ्तार नहीं किया गया था, घोटालेबाज को सेफ एग्जिट मिल गई। दूसरा आरोपी चंद्रमा यादव जो है वो अभी भी फरार बताया जा रहा है। एसटीएफ ने जांच की ऐसी की तैसी कर रखी है और 69,000 टीचरों की भर्ती में ये बड़ा घोटाला था। टॉपर को राष्ट्रपति का नाम तक नहीं पता था। प्रयागराज पुलिस की जांच ठंडे बस्ते में जा चुकी है। एसटीएफ ने जांच को बर्फ की सिल्ली में दबा दिया और घोटालेबाजों के तार अब बहुत ऊपर तक जुड़े हुए हैं। लेकिन अभी तक जो आरोपी जिनके नाम सामने आए थे, मायापति जिसने समर्पण किया, आत्मसमर्पण करने के बाद उसे तुरंत रिहा कर दिया जाता है, जमानत मिल जाती है। और अभी भी जो एक आरोपी है वो पुलिस के शिकंजे से दूर। घोटालेबाजों के तार बहुत ऊपर तक जुड़े हैं ये कहा गया, लेकिन अभी तक जो आरोपी उनसे पूछताछ ही नहीं की जा रही है, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं, ना ही गिरफ्तारी। 69,000 टीचर भर्ती के मामले में अब ये खबर सामने आती हुई कि मुख्य आरोपी ने सरेंडर किया और उसके बाद उसे रिहाई दे दी गई। फिलहाल जो एसटीएफ है जो देखिए इस पूरे मामले में जांच कर रही थी और बहुत ही तेजी के साथ कहा जा रहा था कि इस जांच को आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन अब ये खबर की देखिए जो जांच अब वो कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में जाती दिख रही है और घोटालेबाज को सेफ एग्जिट दे दिया गया है। दूसरा आरोपी जिसका नाम चंद्रमा यादव है वो अभी भी फरार और एक आरोपी मायापति वो भी रिहा। धीरेन्द्र हमारे संवाददाता इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, जब यहां पर आरोपियों को पकड़ा नहीं जाएगा तो आगे के तार कैसे हमें दिखेंगे कि कहां से कहां तक इनका कनेक्शन है? निश्चित तौर पर जिस तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में एक बड़ा खुलासा तत्कालीन एसएसपी सत्या संतोष पंकज सहित तीन आईपीएस अफसरों ने मिलकर किया था, उसके बाद इसमें ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां होने लगी हैं। लेकिन जो मुख्य आरोपी थे जिनके तार गहरे थे और उनको पकड़ने में जब पुलिस नाकाम साबित हो रही थी तो इस पूरे मामले में एसटीएफ को जांच सौंप दी गई। एसटीएफ भी जांच को ठंडे बस्ते में डाल दिया है और जो मुख्य अभी आरोपी चंद्रमा यादव है जो बीजेपी नेता बताया जा रहा है अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है और भदोही का जो आरोपी है वो एसटीएफ को चकमा देकर अब सरेंडर कर दिया गया। तो पूरे मामले में अब कहा जा सकता है कि अब लीपापोती हो रही है। बिल्कुल धीरेन्द्र, देखिए लीपापोती के कारण यहाँ पर आरोपी फरार है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। उत्तर प्रदेश समेत देश